नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। देश और प्रदेश में क्या है कोरोना के हाल और क्या है कोरोना से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स, आइए जानते हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के कुल 60,471 नए संक्रमित पाए गए। इसी के साथ 117,525 लोग ऐसे हैं जो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। मरने वालों की बात की जाए तो मरने वालों की संख्या पिछले 24 घंटे में 2,726 रही। इसी के साथ अब तक देश में पाए गए कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,95,70,881 पर पहुंच गई। इसी के साथ देश में अब तक कुल 3,70,031 लोग ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से अपनी जान गवा चुके हैं। एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो लगातार आंकड़े घट रहे हैं, जिसके चलते अब देश भर में एक्टिव मरीज यानी ऐसे मरीज जिनका अस्पताल या फिर होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है, उनकी संख्या भी घटकर 10,00,000 से नीचे पहुंच गई है। जी हां, देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 9,13,378 पर पहुंच गई है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आंकड़े अच्छे होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं राहत देने वाली खबर हरियाणा के आंकड़ों में भी अब देखने को मिल रही है। जी हां, पिछले 24 घंटे में हरियाणा की बात की जाए तो केवल हरियाणा में कुल 268 मामले पाए गए हैं, जो काफ़ी कम है। पिछले दिनों के मुकाबले अगर देखा जाए तो 268 संख्या काफ़ी कम है। जी हां, इसी के साथ ठीक होने वालों की संख्या भी प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 812 रही। मरने वालों की बात की जाए तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कुल 40 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। इसी के साथ हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या भी घट गई है, जो अब घटकर 4,077 पर पहुंच गई है। इसी के साथ संक्रमण दर, जी हां, बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कहीं ना कहीं लॉकडाउन से छूट मिलने की बात की जाए तो उसमें जो संक्रमण दर है यानी जो पॉजिटिविटी रेट होता है, वो कहीं ना कहीं बड़ा अहम रोल निभाने वाला है। क्योंकि लगातार जो गृहमंत्री हैं कई बार कह चुके हैं कि जब तक हरियाणा में जो पॉजिटिविटी रेट है यानी संक्रमण दर है 5% या उससे कम नहीं आती, तब तक लॉकडाउन को पूरे तरीके से हरियाणा में खोला नहीं जाएगा। इसी के साथ इस वक्त हरियाणा में संक्रमण दर 8.3% है। तो वहीं अच्छी बात, राहत की बात ये कि ठीक होने वालों की जो दर होती है यानी रिकवरी दर है, वो अब बढ़कर 98.29% पर पहुंच गई है। इसी के साथ अब कहीं ना कहीं राहत की खबर ये कि हरियाणा में भले ही कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन है उसको एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया गया है, लेकिन तमाम तरह की जो छूट है वो अब हरियाणा में कहीं ना कहीं मिलनी शुरू हो गई है। और वो केवल एक ही वजह, उसके पीछे एक ही वजह है, वो यही कि हरियाणा में लगातार हालात जो है वो बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जब देश कोरोना की दूसरी लहर से बाहर निकल रहा है, जब प्रदेश कहीं ना कहीं कोरोना की दूसरी लहर से लड़ते हुए अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी भी तरह की लापरवाही कर दोबारा से उसी स्थिति बनाने के कहीं ना कहीं आप जो है वो एक वाहक ना बन जाए। इसलिए आपका जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रह सकता है। क्योंकि अगर आप कोरोना की गाइडलाइंस, कोरोना के प्रोटोकॉल जो तमाम बनाए गए हैं उनका पालन करते हैं, 2 गज की दूरी का ध्यान रखते हैं, मास्क पहनते हैं, घर से बाहर मैं मानता हूँ निकलना पड़ सकता है, लेकिन जितना कम, जितना हो सकता है उतना कम आप घर से बाहर निकलें, इन सब चीज़ों का ध्यान आप रखें। और इसी के साथ आप खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने का काम करें। इसी के साथ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और देश और प्रदेश से कोरोना से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें कंचन टीवी।